हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पानी वाले पकोड़े। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए मैंने लिया है एक कप बेसन, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चौथाई चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम एक बैटर बना लेंगे। और ये देखिए, पानी हम बहुत थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे, एक साथ पानी यूज़ नहीं करेंगे वरना जो बैटर है वो गीला हो जाएगा। और ये देखिए, इसे हम अच्छे से पानी डालकर इस तरह से फेंट लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे हम बहुत ही अच्छे से करीब 2 मिनट तक अच्छे से फेंट लेंगे। इसका कलर थोड़ा सा वाइट सा हो जाएगा, हल्का सा वाइट हो जाएगा और इसमें बहुत ही अच्छी एयर पॉकेट्स आ जाएंगी। तो ये देखिए, इसे हमने 2 मिनट फेंट लिया है और इसे अब हम चेक करने के लिए पानी में इस तरह से बैटर को डालेंगे। तो ये जो हमारा बैटर है पानी में इस तरह से ऊपर आ जाएगा, तो इसकी ये पहचान है कि हमारा बैटर रेडी है। अब इसे हम ढककर रख देंगे और अब हम इसकी बना लेंगे चटनी। तो हमने ली है तकरीबन 2 मुट्ठी धनिया पत्ती और ये है पुदीना की पत्तियाँ 1 मुट्ठी और 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च और ये है फ्रेंड्स इमली का पानी, तो इसे भी हम इसमें डाल देंगे। और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला, थोड़ा सा काला नमक और 4 से 5 काली मिर्च, आधा चम्मच चीनी और पानी डालकर इस तरह से हम इसकी चटनी बना लेंगे। और इसे हम बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसमें करीब हम 1/2 लीटर पानी अच्छे से इसके साथ में हम डालकर मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस पानी को थोड़ा सा टेस्ट किया है तो नमक कम लग रहा था मुझे, तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और मिक्स कर दिया है। और ये देखिए, अच्छे से मिला देते हैं और अब हम अपने बैटर को भी चेक कर लेते हैं। तो बैटर हमारा रेडी है। लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा एक चुटकी खाने वाला सोडा मिला देंगे और एक ही डायरेक्शन में इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सोडा मिलाने के बाद में इसे हम बहुत देर नहीं फेंटेंगे। और अब हमने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, तेल अच्छे से हीट हो गया है। तो अब इसमें हम छोटी छोटी इस तरह से अपने बैटर से हम पकौड़ियाँ बना लेंगे। तो ये देखिए किस तरह से पकौड़ी फूल कर ऊपर आ गई है। और इस समय हम फ्लेम को मीडियम रखेंगे और पकौड़ियों को अच्छे से मीडियम फ्लेम पर हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, एक बात का बस ध्यान रखें कि जब भी आप इसका बैटर बनाएं तो उसे अच्छे से आप फेंटें ताकि इसमें एयर पॉकेट्स अच्छे से बन जाएं। और ये देखिए कितनी अच्छी एयर पॉकेट्स बनी हैं। पकौड़ियाँ जो हमारी फ्राई होकर के जब हम निकालते हैं तो बिल्कुल ये लाइट वेट पकौड़ियाँ हो जाती हैं, यही इसकी पहचान है। और ये देखिए, हमारी जो पकौड़ियाँ हैं ये अच्छे से फ्राई हो गई हैं, तो इन्हें हम निकाल लेते हैं। और ये जो हमने पानी तैयार किया था इसमें अब हम इन पकौड़ियों को मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए, अच्छे से हम इसे मिक्स कर देंगे, ऊपर से थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती डाल देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप प्याज खाते हैं तो इसमें आप प्याज भी काट करके डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। तो फ्रेंड्स, अब इन पकौड़ियों को थोड़ी देर हम ढक देंगे और अच्छे से फूल जाने देंगे। तो ये देखिए, फूलने के बाद में हमारी जो पकौड़ियाँ हैं बहुत ही अच्छे से फूल चुकी हैं। और ये मैं अब इसे एक बाउल में सर्व कर रही हूँ। और ये देखिए, मैं इसे आपको काट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितने अच्छे से इसके अंदर पानी चला गया है, बहुत अच्छा इसमें एयर पॉकेट्स आया है। तो फ्रेंड्स, आप भी इसे गर्मियों के सीज़न में एक बार ज़रूर ट्राई करें। मेरे तो मुंह में आ रहा है पानी, तो मैं जा रही हूँ इसे खाने। प्लीज़ आप भी इसे बना करके ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएँ आपके पानी वाले पकौड़े कैसे बने थे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।